वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड समीर में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीएमएस फाइनल ईयर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक संज्ञाहरण के बारे में, जिसको मॉडर्न में एनेस्थेसिया भी बोला जाता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक ताकि आप आसानी से संज्ञाहरण एनेस्थेसिया को आसानी से इजी ट्रिक्स के साथ समझ सके। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं संज्ञाहरण को एनेस्थेसिया को। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले आयुर्वेद के अकॉर्डिंग संज्ञाहरण के बारे में। संज्ञाहरण का मतलब होता है एनेस्थीसिया। इंट्रोडक्शन परिचय की बात करें तो संज्ञाहरण का शल्य चिकित्सा में बहुत महत्व है। तो दोस्तों जो सर्जरी है उसके अंदर जो एनेस्थीसिया है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि शल्य कर्म के दौरान यंत्र एवं शस्त्रों के प्रयोग से रोगी को असह्य वेदना होती है। तो क्या करते हैं दोस्तों, जब सर्जरी करते हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इंसिजन लगाने के लिए, कट लगाने के लिए, तो उससे क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको न सहन करने जैसा पेन होता है तथा असह्य वेदना के कारण रोगी के प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों वो जो पेन हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट है उसके प्राण के ऊपर भी संकट आ सकता है, उसकी जीवन के ऊपर संकट आ सकता है। तो शरीर में प्रविष्ट शल्यों को निकालते समय एवं शल्य कर्म की जो वेदना है उससे रोगी मूर्छित भी हो सकता है। तो दोस्तों जो सर्जरी कर रहे हैं उससे जो पेन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पेशेंट है वो बेहोश भी हो सकता है, मूर्छित भी हो सकता है। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या बोला गया है कि शीतलेन जलेनेनम मूर्छतम अवसेच ये संरक्ष येदस्य मर्माणि मुहु आश्वस्य ये चतम। अब इसका मतलब क्या है, तो शल्य निकालते समय मूर्छित होते हुए व्यक्ति को शीतल जल से सिंचित करना चाहिए। तो उस टाइम उस पेशेंट को लगातार ठंडे पानी से उसके ऊपर छींटे डालते रहना चाहिए, सिंचित कर देना चाहिए ताकि वह बेहोश ना हो, मूर्छित ना हो। सेकेंड है कि हृदय मस्तिष्क आदि मर्म स्थानों की रद्य औषधियों के द्वारा रक्षा करना चाहिए। तो जो हमारा हृदय है मस्तिष्क है ये क्या होते हैं, हमारे मर्म स्थान होते हैं, इन पे आघात होने की वजह से क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। तो इनको क्या करना है, जो रद्य औषधियाँ हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बल प्रदान कर सकती है इनके द्वारा इन मर्मों की रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हर्षजनक बातों से व्यक्ति को आश्वस्त करना चाहिए। तो दोस्तों जो व्यक्ति है, जो पेशेंट है जिसकी सर्जरी कर रहे हैं, उसको डॉक्टर को चाहिए कि उससे हर्षजनक बातें करें, ऐसी बातें करें जिससे उस रोगी के अंदर बल की वृद्धि हो, और उसको समझाना चाहिए कि आपकी जो बीमारी है इस सर्जरी के थ्रू जल्दी ठीक हो जाएगी, आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों संज्ञाहरण के लिए या फिर एनेस्थीसिया के लिए हमारे विभिन्न आचार्यों के क्या क्या मत हैं। सबसे पहले बात करते हैं आचार्य चरक की। तो आचार्य चरक बोलते हैं कि ऐसी स्त्री जिसमें अपरिपक्व गर्भ है, गर्भशल्य है, तो ऐसी स्त्री के गर्भशल्य को बाहर निकाल कर उसके गर्भाशय का शोधन करना चाहिए, प्यूरिफिकेशन करना चाहिए एंड वेदना को दूर करने के लिए, पेन को दूर करने के लिए सुरा, सिधु, मधु, मदिरा, आसव, अरिष्ट इनमें से किसी भी एक का गर्भिणी स्त्री को उसके सामर्थ्य के अनुसार, उसकी शक्ति के अनुसार या इन सभी में से उस स्त्री के लिए कितनी मात्रा आवश्यक है उसका विचार करके उसको पान करवाना चाहिए। अब दोस्तों इसको हम सामान्य भाषा में समझें तो हमारे आचार्य चरक ने स्त्रियों के अंदर, वुमन्स के अंदर होने वाली गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं, बीमारियाँ हैं, उनकी सर्जरी के लिए इन निम्नलिखित द्रव्यों के प्रयोग के द्वारा एनेस्थीसिया देने का निर्देश किया है। आगे बात करते हैं कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार संज्ञाहरण के बारे में, एनेस्थीसिया के बारे में क्या बोला गया है। तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि शस्त्र कर्म से पहले, सर्जरी से पहले व्यक्ति को, जो पेशेंट है उसको उसकी इच्छा के अनुसार भोजन करवाना चाहिए, जो वह चाहता है उसके अनुसार उसको भोजन करवाना चाहिए, और जो वेदना सहन नहीं कर सकते मीन्स पेन को सहन नहीं कर सकते लेकिन मद्य पीने वाले हैं, एल्कोहल पी सकते हैं, तो उन्हें मद्यपान करवाएं जिससे वे मूर्छित भी नहीं होते मीन्स बेहोश भी नहीं होंगे और उन्हें वेदना भी नहीं होगी मीन्स दर्द भी नहीं होगा, पेन भी नहीं होगा। आचार्य सुश्रुत ने इसके बारे में अश्मरी प्रकरण के निर्हरण के लिए बोला है कि जब हम किडनी स्टोन को बाहर निकालते हैं तो इस प्रकार तीक्ष्ण मध्य का पान करवाकर उसका अश्मरी निर्हरण करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं आचार्य भाव प्रकाश के अनुसार। तो भाव प्रकाश ने भी संज्ञाहरण में भंगा का प्रयोग बताया है फॉर मोह एंड मद वृद्धि के लिए। तो दोस्तों भंगा के प्रयोग के द्वारा भी जो पेशेंट होगा वो थोड़ा बेहोश टाइप हो जाएगा जिसकी वजह से सर्जरी करने में आसानी होगी। तो इस तरह से आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य भाव प्रकाश के द्वारा संहिताओं में संज्ञाहरण का वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं एनेस्थेसिया के मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू की कि आखिरकार एनेस्थेसिया क्या है। तो एनेस्थेसिया इज ए स्टेट ऑफ टेम्पररी इंड्यूस लॉस ऑफ सेंसेशन और अवेयरनेस।
तो दोस्तों एनेस्थेसिया एक ऐसी स्थिति है, टेम्पररी स्थिति है, थोड़े टाइम की स्थिति है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बाहर से इंड्यूस करते हैं लॉस ऑफ सेंसेशन और अवेयरनेस को, मीन संवेदनशीलता और जागरूकता को हम थोड़े समय के लिए क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं एनेस्थेसिया। अब इसके अंदर भी क्या क्या, इट मे इंक्लूड एनाल्जेसिया मीन्स प्रिवेंशन ऑफ पेन, तो दोस्तों इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो पेन है, दर्द है, उसको कम करते हैं। पैरालिसिस, यहाँ पर पैरालिसिस को डिजीज कंडीशन में न लेकर मसल रिलैक्सेशन समझना चाहिए। नेक्स्ट है एमनेसिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी और अनकॉन्शियसनेस, तो दोस्तों सर्जरी के दौरान हम क्या करते हैं, एनेस्थीसिया को लगाकर पेशेंट के अंदर पेन को कम कर देते हैं, ताकि जो इंसिजन लगाया जाए, कट लगाया जाए, उसमें पेशेंट को पेन ना हो, मसल रिलैक्स रहे और उसकी मेमोरी जो हो कम हो जाए, ताकि उसको पता ना चले कि दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है और आसानी से सर्जरी कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्री एनेस्थेटिक चेकअप के बारे में। तो एनेस्थेटिस्ट जो एनेस्थेसिया को लगाता है, जिस पेशेंट की सर्जरी होने वाली है और जिसको एनेस्थेसिया की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो एनेस्थेटिस्ट क्या करता है, उस पेशेंट को एनेस्थेसिया देने से पहले चेकअप करता है कि उस पेशेंट में एनेस्थेसिया दिया जा सकता है या नहीं, तो इसको प्री एनेस्थेटिक चेकअप बोलते हैं। तो दोस्तों इस प्री एनेस्थेटिक चेकअप के अंदर भी जो एनेस्थेटिस्ट रहता है वो क्या करता है, जो पेशेंट होता है जिसको सर्जरी के दौरान एनेस्थेसिया देना होता है, उस एनेस्थेसिया देने से पहले वो स्पेसिफिक उस पेशेंट की रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम का चेकअप करता है कि उसको अस्थमा, इडिमा वगैरह तो नहीं है। नेक्स्ट ड्रग की हिस्ट्री लेता है कि जो ड्रग वो एनेस्थेसिया के अंदर यूज़ करने वाला है उस ड्रग की उस पेशेंट के अंदर एलर्जी वगैरह तो नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री टेकिंग की, तो जिस पेशेंट को एनेस्थेसिया देने वाला है वह एनेस्थेटिक्स, तो वह उस पेशेंट में हिस्ट्री टेकिंग करता है कि वह पेशेंट एल्कोहल या स्मोकिंग तो नहीं करता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो स्टीरोइड चेकअप, तो जो एनेस्थेटिस्ट रहता है वो पेशेंट के अंदर स्टीरोइड का चेकअप भी करता है कि पेशेंट 2 साल से ज़्यादा तक स्टीरोइड तो नहीं ले रहा है, और अगर ले रहा है तो प्री मेडिकेशन के रूप में जो हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन होता है उसे IM 100 mg की मात्रा में लगाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्री मेडिकेशन के ऊपर। अब प्री मेडिकेशन का मतलब क्या, तो दोस्तों जिस पेशेंट को हम एनेस्थेसिया देने वाले हैं उस पेशेंट के अंदर एनेस्थेसिया देने से पहले कुछ मेडिसिन दी जाती है, और वो मेडिसिन क्यों दी जाती है, तो मेनली 2 वर्क के लिए दी जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड ग्लैंड सिक्रेशन डिक्रीज, तो दोस्तों जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड जितने भी ग्लैंड्स है जो डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्रेशन करती है उनके सिक्रेशन को डिक्रीज करने के लिए, और सेकेंड है एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ पेशेंट डिक्रीज, तो दोस्तों जो पेशेंट है उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम करना है, तो इसके लिए मेडिसिन दी जाती है। तो दोस्तों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड ग्लैंड के सिक्रेशन को कम करने के लिए यहाँ पर एट्रोपिन और हायोसिन ड्रग का यूज़ किया जाता है, और एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कम करने के लिए यहाँ पर मॉर्फिन का यूज़ किया जाता है, लेकिन सम टाइम मॉर्फिन की वजह से वोमिटिंग इंड्यूस होती है, इसलिए उसके स्थान पर पेथिडीन ड्रग का यूज़ किया जाता है। सम टाइम आफ्टर सर्जरी कुछ पेशेंट के अंदर वोमिटिंग देखने को मिलती है जो कि एज अ कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होती है, तो दोस्तों उसके ट्रीटमेंट के लिए एंटी इमेट्रिक ड्रग्स को दिया जाता है, इसके अंतर्गत मेटोक्लोप्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। दोस्तों कुछ सर्जरी के अंदर एब्डोमन की सर्जरी परफॉर्म की जाती है, वहाँ पर जो गट का सिक्रेशन होता है, जो स्टमक के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्रेशन होते हैं, उन सिक्रेशन को भी कुछ ड्रग देकर कम किया जाता है ताकि वोमिटिंग ना हो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनेस्थेसिया की, कि एनेस्थेसिया कितने टाइप का होता है, तो एनेस्थेसिया मोस्टली 3 टाइप का होता है, जनरल एनेस्थेसिया, स्पाइनल एनेस्थेसिया और लोकल एनेस्थेसिया। अब सबसे पहले बात करते हैं जनरल एनेस्थेसिया की। जनरल एनेस्थेसिया जो होता है हमारी होल ह्यूमन बॉडी को एनेस्थाइज करने के लिए दिया जाता है, एज अ सिस्टेमिक एनेस्थेसिया यूज़ किया जाता है। जो जनरल एनेस्थेसिया होता है इसके मेनली 3 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है मसल रिलैक्सेशन, सेकेंड होता है एनाल्जेसिया मीन्स जागृत रहते हुए दर्द का ना होना, जागृत रहते हुए पेन का ना होना। थर्ड वन इज नार्कोसिस, जो हमारी नींद को बढ़ाए, इंक्रीज स्लीप करे, बेहोशी लाए, तो ये 3 फंक्शन जनरल एनेस्थेसिया के होते हैं। दोस्तों आपको इन 3 फंक्शन को एक ट्रिक के रूप में याद कर लेना है। ट्रिक के रूप में आपको एक वर्ड याद करना है MAN, मेन, M से याद कर लेना है मसल रिलैक्सेशन, A से याद कर लेना है एनाल्जेसिया, और N से नार्कोसिस, आसानी से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं
जनरल एनेस्थीसिया के टाइप्स की। जनरल एनेस्थीसिया के अंदर जो ड्रग्स यूज होती है उसके प्रयोग के अकॉर्डिंग जनरल एनेस्थीसिया दो टाइप का होता है, इनहेलेशनल एजेंट और सेकेंड होता है इंट्रावेनस एजेंट। इनहेलेशनल एजेंट के अंदर हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर और क्लोरोफॉर्म आते हैं, जिनको पेशेंट को सूंघा दिया जाता है जिससे पेशेंट की पूरी बॉडी एनेस्थाइज हो जाती है। सेकेंड है इंट्रावेनस एजेंट, इसके अंदर थियोपेंटोन, प्रोपोफोल और केटामाइन आते हैं, जिनको आईवी फ्लूइड के रूप में पेशेंट को इंजेक्ट कराकर एनेस्थाइज किया जाता है। दोस्तों इन ड्रग्स के नाम हम एक ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं। ट्रिक है हाई नेक टी शर्ट पहना पीके ने। तो दोस्तों जो पीके मूवी है जिसके अंदर आमिर खान रहता है, तो हमको उसमें ऐसा याद रख लेना है कि उसके अंदर हाई नेक टी शर्ट पहना पीके ने। तो हाई नेक वर्ड से एच से हमको याद करना है हेलोथेन, आई से याद करना है आइसोफ्लूरेन, एन से याद करना है नाइट्रस ऑक्साइड, ई से याद करना है ईथर और सी से याद करना है क्लोरोफॉर्म। इस तरह हमको हाई नेक वर्ड से इनहेलेशनल एजेंट आसानी से याद हो जाते हैं। ट्रिक में आगे बात करें तो टी शर्ट के टी से हमको थियोपेंटोन, पीके के पी से प्रोपोफोल, के से केटामाइन याद करना है, तो ट्रिक के बचे हुए पार्ट से हमको इंट्रावेनस एजेंट भी आसानी से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं जनरल एनेस्थीसिया के कुछ इंडिकेशंस के बारे में कि जनरल एनेस्थीसिया को कहां कहां पर दे सकते हैं, कौन कौन से पेशेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है एक्सट्रीम एंजाइटी एंड फियर में। तो दोस्तों जिन पेशेंट को सर्जरी के लिए एडवाइस किया जाता है तो वे बहुत डर जाते हैं, उनमें क्या हो जाता है वे बहुत नर्वस हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको एनेस्थीसिया लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड है एडल्ट एंड चिल्ड्रन हु हैव मेंटल और फिजिकल डिसेबल। तो दोस्तों ऐसे चिल्ड्रन और ऐसे लोग जिनके अंदर मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उनके अंदर भी जनरल एनेस्थीसिया लगाया जाता है। सेनाइल पेशेंट जो बूढ़े पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी एनेस्थीसिया लगाना पड़ता है सर्जरी के दौरान। डिसओरिएंटेड पेशेंट, तो दोस्तों जो विचलित पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी जनरल एनेस्थीसिया लगाना जरूरी हो जाता है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों एज इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। तो दोस्तों जो इन्फेंट होते हैं और जो चिल्ड्रन होते हैं छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनमें कोई सर्जरी परफॉर्म करना होती है तो इसके लिए भी जनरल एनेस्थीसिया लगाया जाता है। नेक्स्ट है शॉर्ट ट्रॉमेटिक प्रोसीजर्स एंड प्रोलॉन्ग ट्रॉमेटिक प्रोसीजर। तो दोस्तों छोटी या बड़ी किसी भी तरह की अगर इंजरी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है तो वहाँ भी जनरल एनेस्थीसिया लगाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में। स्पाइनल एनेस्थीसिया जो होता है उसको सब अरेक्नोइड ब्लॉक भी बोला जाता है, इंट्राथिकल ब्लॉक भी बोला जाता है। अब बात करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया की साइट्स के बारे में कि कहां कहां पर स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो दोस्तों सब अरेक्नोइड स्पेस में और इंट्राथिकल स्पेस में दिया जाता है, और मोस्टली 3 और 4 नंबर की जो हमारी लंबर वर्टिब्रा होती है उसकी इंटरवर्टिब्रल स्पेस में हमारी बॉडी की जो बैक साइड होती है जहाँ पर स्पाइनल कोड होती है वहाँ पर इस स्पाइनल एनेस्थीसिया को लगाया जाता है, नीडल के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके ड्रग्स की कि इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जाइलोकेन, लिग्नोकेन और बुपिवाकेन को यूज़ करते हैं, जिसका एक और नाम सेंसोरिकेन भी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इंडिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो दोस्तों स्पाइनल एनेस्थीसिया कौन कौन सी कंडीशन में और कौन कौन से पेशेंट को देना चाहिए। तो सबसे पहला है ऑर्थोपेडिक सर्जरी ऑफ लोअर लिम्ब एंड पेल्विस। तो दोस्तों जो हमारे लोअर लिम्ब्स होते हैं उनकी अगर ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है, पेल्विस से रिलेटेड अगर कोई सर्जरी होती है तो वहाँ पर स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। नेक्स्ट है जनरल सर्जरी। अब जनरल सर्जरी में कौन कौन सी, यदि हर्निया का ऑपरेशन किया जाता है, हाइड्रोसील का ऑपरेशन किया जाता है या फिर कोई टेस्टिकुलर सर्जरी की जाती है, जो टेस्टिस होते हैं उनसे रिलेटेड कोई सर्जरी की जाती है तो वहाँ पर भी स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। अपेंडिसेक्टोमी, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन जो किया जाता है उसके अंदर भी स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि गायनेकोलॉजी और ऑप्स में कहाँ कहाँ पर स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाया जाता है। तो ऑल यूटराइन सर्जरी लाइक हिस्टेक्टोमी, सीजेरियन सेक्शन, ट्यूबेक्टोमी, ओवेरियन सर्जरी, इनके अंदर भी स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाया जाता है। नेक्स्ट है यूरोलॉजी, ब्लेडर एंड यूरेट्रिक स्टोन। तो दोस्तों जो ब्लेडर के अंदर या फिर यूरेटर के अंदर कोई स्टोन है तो उसको निकालने के लिए भी स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाया जाता है। यदि प्रोस्टेट की सर्जरी की जाती है तो वहाँ पर भी स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों लोकल एनेस्थीसिया के बारे में। तो बॉडी के किसी लोकल एरिया में सर्जरी करने के लिए लोकल एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है। अब इसका क्या फंक्शन होता है, क्या वर्क होता है, तो लोकल एनेस्थीसिया ब्लॉक द सोडियम चैनल, जिससे
पेन अनुभव नहीं होता क्योंकि सोडियम चैनल के ब्लॉक होने से एक्शन पोटेंशियल कम हो जाता है, तो हमारा जो लोकल एनेस्थीसिया है वो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल कम हो जाता है या फिर जीरो हो जाता है जिसकी वजह से हमको पेन पता नहीं चलता। अब दोस्तों बात करते हैं लोकल एनेस्थीसिया की साइट्स के बारे में। तो लोकली स्किन के ऊपर स्प्रे या ऑइंटमेंट लगाकर लोकल एनेस्थीसिया को परफॉर्म किया जाता है। सेकेंड है कि स्किन में जो सबक्यूटेनियस जो हमारी लेयर होती है, तो स्किन की जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है उसके अंदर नीडल के थ्रू इंजेक्शन के थ्रू इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है और लोकल एनेस्थीसिया को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लोकल एनेस्थीसिया में यूज होने वाली ड्रग्स के बारे में। तो दोस्तों इसके लिए लिग्नोकेन, प्रिलोकेन और बुपिवाकेन जैसी ड्रग्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लोकल एनेस्थीसिया के इंडिकेशन की कि कहां कहां पर लोकल एनेस्थीसिया दिया जा सकता है। तो सबसे पहला है माइनर सर्जरी। तो दोस्तों जो छोटी मोटी सर्जरियां होती है उसके अंदर लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता है। सेकेंड है वेयर द लाइफ ऑफ द पेशेंट मे बी एंडेंजर्ड बाय अनकॉन्शियसनेस। तो दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनको पूर्णतः बेहोश करने पर या फिर जनरल एनेस्थीसिया या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया देने से उनकी लाइफ का खतरा बनता है, तो ऐसी कंडीशन में भी लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेयर स्किल्ड एनेस्थेटिस्ट इज नॉट अवेलेबल। तो दोस्तों ऐसी स्थिति अगर बनती है कि पेशेंट के अंदर जनरल एनेस्थीसिया या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट तो है लेकिन वहां पर जो एनेस्थीसिया लगाते हैं जो परफेक्ट होते हैं अपने काम के अंदर वो नहीं है, तो वहां पर ऐसी स्थिति में लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि किसके द्वारा एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता या किस कंडीशन में एनेस्थीसिया नहीं देना चाहिए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों यहां पर हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया और स्पाइनल एनेस्थीसिया तीनों के कॉमन याद करेंगे। तो दोस्तों अगर एग्ज़ाम में आपसे अलग अलग पूछा जाता है तो आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको कॉमनली इनको बता रहा हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग बाय द डॉक्टर। तो दोस्तों एनेस्थीसिया लगाने के समय जो डॉक्टर एनेस्थीसिया दे रहा है यदि उसने प्रॉपर एनेस्थीसिया लगाने की ट्रेनिंग नहीं ली है तो उसको एनेस्थीसिया नहीं लगाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रेंड पर्सनल। तो दोस्तों एनेस्थीसिया देते समय यदि अगर पहले से ट्रेंड स्टाफ अगर मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी एनेस्थीसिया नहीं देना चाहिए। थर्ड है लैक ऑफ एडिक्वेट इक्विपमेंट। तो दोस्तों यदि एनेस्थीसिया देते समय ऑल ओवर इंस्ट्रूमेंट जो एनेस्थीसिया को लगाने के लिए आवश्यक होते हैं वो नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी एनेस्थीसिया नहीं देना चाहिए। फोर्थ वन इज़ लैक ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटीज़। तो दोस्तों एनेस्थीसिया देते समय यदि हमारे पास उपयुक्त सुविधाएं नहीं हैं तो हमें ऐसी स्थिति में भी एनेस्थीसिया नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ASA4 एंड ASA3 मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। अब दोस्तों ASA का मतलब क्या, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, तो दोस्तों ASA ने क्या किया, एनेस्थीसिया देने के लिए पेशेंट को 6 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब 6 कैटेगरी में आपको ना बताते हुए यहाँ पर दो ही कैटेगरी के बारे में बताऊँगा। ASA4 का मतलब ऐसे पेशेंट जिनके अंदर सीवियर सिस्टेमिक डिजीज़ है और एनेस्थीसिया देने से उनकी लाइफ जो होती है वो खतरे में पड़ सकती है, तो ऐसी स्थिति में उनको एनेस्थीसिया नहीं देना चाहिए। ASA3 का मतलब ऐसा होता है कि ऐसे पेशेंट जिनके अंदर सीवियर सिस्टेमिक डिजीज़ प्रेजेंट है तो उनको हमको एनेस्थीसिया नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो सेप्सिस नियर द फील्ड ऑफ इंजेक्शन। तो दोस्तों यदि जहां पर हम एनेस्थीसिया लगाने वाले हैं उसके आसपास कोई इन्फेक्शन है, सेप्सिस है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर एनेस्थीसिया नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट है व्हेन द पेशेंट इज़ नो कोऑपरेटिव। तो दोस्तों यदि एनेस्थीसिया लगाने के समय पेशेंट हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता है तो हमको उसको एनेस्थीसिया नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वेयर द लार्ज अमाउंट ऑफ लोकल एनाल्जेसिक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड मेनली रिस्क द पॉसिबिलिटी ऑफ टॉक्सिक रिएक्शन। तो दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनके अंदर हम लार्ज अमाउंट में एनाल्जेसिक यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर टॉक्सिक रिएक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी हमें एनेस्थीसिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया की। तो दोस्तों कॉम्प्लिकेशन भी हम यहाँ पर जनरल, लोकल और स्पाइनल एनेस्थीसिया तीनों के साथ पढ़ेंगे, कॉमन पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहला है पेन एट इंजेक्टेबल साइट। तो दोस्तों जहाँ भी एनेस्थीसिया लगाया गया है वहाँ पर पेन देखने को मिल सकता है, हेडेक देखने को मिल सकता है, बैकएक देखने को मिल सकता है, पेशेंट के अंदर नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है, नर्व इंजरी देखने को मिल सकती है, डैमेज टू द टीथ देखने को मिल सकता है,
ईडिमा बॉडी के अंदर देखने को मिल सकता है। कार्डियोवेस्कुलर कोलैप्स, रेस्पिरेटरी कोलैप्स और हाइपोथर्मिया भी देखने को मिल सकता है। लास्ट में बात करते हैं दोस्तों मैनेजमेंट ऑफ एनेस्थीसिया के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है इमीडिएट स्टॉपेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया इफ पॉसिबल। तो दोस्तों एनेस्थीसिया लगाते समय यदि पेशेंट के अंदर हमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन दिख रहे हैं तो हमको तुरंत एनेस्थीसिया को इंसर्ट करना बंद कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है द पेशेंट एयरवे इज चेक। उस पेशेंट का हमको जो एयर पासेज है उसको चेक करना चाहिए। एंड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन स्टार्टेड विथ ऑक्सीजन इफ पॉसिबल, और अगर ज़रूरी हो तो उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के साथ स्टार्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एंटीएमेटिक ड्रग यूज्ड फॉर स्टॉप वोमिटिंग। यदि पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन के रूप में वोमिटिंग देखने को मिल रही है तो वहाँ पर एंटीएमेटिक ड्रग्स का यूज़ करना है और उसमें भी मेटोक्लोप्रोमाइड का यूज़ करना है। नेक्स्ट बात करते हैं एंड्रेनालिन यूज़ करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है आईवी फ्लूइड यूज़ एज पर कंडीशन। तो अगर जो भी कंडीशन हमको पेशेंट के अंदर देखने को मिल रही है, जो भी सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, उन सिम्टम के अकॉर्डिंग हमको आईवी फ्लूइड भी उसको इंसर्ट करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तो दोस्तों जो सिम्टम हमको कॉम्प्लिकेशन के रूप में दिख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट भी हमको करना चाहिए। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जिसने भी अभी तक मास्टरमाइंड समीर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इसी तरह आयुर्वेद को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आयुर्वेद को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।